साथियों, मैं डॉक्टर लुकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज सोशल कॉस्ट ऑफ एंगर पर अपन चर्चा करेंगे और मैं कुछ इंसिडेंसेस को बता करके आपसे आगे चर्चा करना चाहूंगा कि इन इंसिडेंसेस से कैसे बचा जा सकता है। तो जुड़े रहिए आखिरी तक, बहुत सारे इंसाइट्स आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं। हो सकता है आपको मैं कोई भी नई बात ना बताऊं, लेकिन हाँ, निश्चित बात यह है कि ऐसी बातों को हमें निरंतर रूप से अलग अलग सोर्सेज से अगर पता चलती रहे तो निश्चित रूप से हमें अपने आप पर नियंत्रण करने में, एंगर मैनेजमेंट करने में बहुत बहुत सहायता हासिल होती है। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, वेलकम टू लोक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड लाइफ कोचिंग। हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर, डू कनेक्ट मी इन पर्सन इफ यू नीड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू। सोशल कॉस्ट एंड सोशल इफेक्ट्स ऑफ एंगर में आज की ये चर्चा, स्वागत है आप सबका। पहला इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा साथियों, हाल ही के दिनों में आपने एक राजस्थान की एक घटना सुनी होगी जिसमें एक डॉक्टर ने एक मात्र 22 वर्षीय महिला का सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी कराने का प्रयत्न किया। उसके 2 घंटे बाद उस महिला को पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है। पीपीएच इतना सीवियर होता है, पोस्टमार्टम हेमरेज इतना सीवियर होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स की टीम ने जो एफर्ट्स किए उससे पूरा परिवार संतुष्ट रहता है और वो डेड बॉडी लेकर के घर चले जाते हैं। स्मशान पहुंचते हैं तब तक वहां के कुछ सो कॉल्ड नेता लोग, सो कॉल्ड मैं डिलीबरेटली कह रहा हूं बिकॉज कोई भी इस तरीके का नेता जो किसी भी समाज के वर्ग को दुखी करने का प्रयत्न करे, परेशान करने का प्रयत्न करे, वो सो कॉल्ड ही नेता कहलाया जा सकता है, वो नेता नहीं कहलाया जा सकता। और ऐसे लोग जिस भी पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के लिए क्या हो सकते हैं, क्या कहा जा सकता है, आप बेहतर समझदार लोग हैं। तो उन्होंने उस परिवार को उकसाया और 50 लाख रुपए हम आपको दिलवाएंगे ये कह करके वापस से बॉडी हॉस्पिटल लेकर के आए। बहुत तमाशा किया, केवल तमाशा ही नहीं किया, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को भी, जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी किसी प्रकार से एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत उनको भी उलझाया, किसी प्रकार से उनको भी एक भ्रम में डाल करके, जो कि एक कानूनन तौर पे गलत है, 302 की धारा उस डॉक्टर पर लगा दी। जैसे ही डॉक्टर को ये पता चलता है, डॉक्टर अपने सुसाइडल नोट में लिख करके जाती हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, पेशेंट की डेथ पीपीएच से हुई है जो कि एक बहुत ही नोन कॉम्प्लिकेशन है। ये इतना नोन कॉम्प्लिकेशन है, इसके तहत जो वर्ल्ड में चर्चाएं हो रही हैं इस किस्से के ऊपर, मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो भी शेयर कर सकता हूं, आप वो भी देखिए, जानिए, समझिए। As president of the World Medical Association, it is with great concern that I see the high number of attacks on health professionals in various parts of the world. We have recently even been made aware of a case in the state of Rajasthan in India where law enforcement officers have been involved, resulting in a leading female physician committing suicide after the tragic death of her patient. Following the suicide of the physician, I've written to India's Prime Minister Narendra Modi, urging him to stop the high number of attacks on physicians and other health personnel in the country. The fact that the woman physician committing suicide following the interventions of law enforcement officers and legal action after the death of one of her patients pictures the tremendous personal risk and unreasonable pressure that physicians face caring for others. This is neither reasonable nor sustainable. It must be clear that any treatment outcome that is detrimental or fatal must first be properly and professionally examined before conclusions about civil and criminal liability can be made. Utmost attention must be given to an unbiased, scientific correct process in dealing with unwanted treatment outcomes. I'm shocked by the involvement of law enforcement officers in such cases. This is an apparently ambitious legal situation. The WMA therefore support the Indian Medical Association in their request to the Indian government to enact an ambitious and effective lawful. क्या सीन बना है उसके बाद आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। The doctor committed suicide. उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट, अपने जगह में बहुत स्थापित डॉक्टर। ये घटना जो है
इस तरह की घटनाओं की शुरुआत हमेशा एंगर से होती है सर, और ये एंगर सभी वर्ग का है। ये देखिए आप, मतलब क्या होता है, जो पूर्वानुभव से लोग जब ग्रसित होते हैं, अपनी पास्ट की घटनाओं को अपन जब हील नहीं होने देते हैं, हील कर नहीं पाते हैं, फॉरगिवनेस की कमी होती है, घटनाओं को लोगों को फॉरगिव कर पाना, और सबसे बड़ी चीज एक ये, अब जो मैं शब्द बोलने जा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा, परसीव्ड इनजस्टिस। इस परसीव्ड इनजस्टिस को समझाने के लिए मैं एक और घटना आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से रोड रेज की घटनाएं होती हैं, आपने देखा होगा रोड रेज में लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, तो कोई तो बहुत परेशान होता हुआ दिखता है, कोई मस्त अपने गाने सुन रहा होता है, क्या कारण है? अगर एक ही घटना, एक ही परिस्थिति है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं? बिकॉज समबडी इज परसीविंग दैट इट इज हाईली इनजस्टिस टू हिम। अब यहां इस परसीव्ड इनजस्टिस से मैं आपको ईगो से रिलेट करना चाहूंगा। जिसका सर्वाधिक ईगो होगा उसकी परसीव्ड इनजस्टिस की अनुभव फ्रीक्वेंटली होती रहेगी। जिसका ईगो बहुत कम लेवल का होगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना भी क्वालिफाइड हो, जो जितना एजुकेटेड है, अगर उसके एजुकेशन का वास्तव में उसके दिलो दिमाग पर, उसके व्यवहारिक जिंदगी में असर है, वो उतना ही ह्यूमिलिटी से भरपूर होगा और वो उतना ही लोगों को माफ कर पाएगा, परिस्थितियों से अपने आप को संभाल पाएगा और अपने आप को किसी भी रोड रेज वाली घटनाओं से बचा पाएगा। तो ये दो घटनाओं से मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया है साथियों, कि ये जो रोड रेज वाली एक घटना आपको याद होगी, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, इंदौर में एक घटना हुई थी जिसमें एक इंजीनियर, दोनों ही इंजीनियर थे इनफैक्ट, मोटरसाइकिल से जाने वाला भी इंजीनियर था, वो अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं कार के और उसके कारण किसी को चोट लगती है, वो गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से जाने वाले दूसरे इंजीनियर, और उस बात पर से आपस में इतनी झड़प होती है कि एक दूसरे पर मारापीटी हो रही थी, वहां तक भी ठीक था, लेकिन मारापीटी धक्का लगने से, जैसे ही धक्का दिया जाता है एक के द्वारा दूसरे को, वो वहां से गुजरने वाले ट्रक के चपेट में आ जाते हैं और मोटरसाइकिल वाले इंजीनियर की मृत्यु हो जाती है। तो ये घटनाओं से, ये जो सोशल कॉस्ट ऑफ एंगर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं साथियों, कि ये जो घटनाएं इस प्रकार की होती है, ये जो परसीव्ड इनजस्टिस है, इसको हमें समझना होगा। अगर हम समय रहते काबू नहीं पा पाते हैं तो बहुत बड़ी कीमत हम अकेले ही नहीं, पूरा समाज चुकाता है। आज अब देखिए, वो डॉक्टर जो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, जो इतनी अच्छा प्रैक्टिस कर रही थी, इतना अच्छा काम कर रही थी उस एरिया में, उन्होंने अपना खुद का अपनी हॉस्पिटल थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, यही पेशेंट जिसकी डेथ हुई है, जिसके बाद उन्होंने वो लिख करके गई है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, पीपीएच से पेशेंट की डेथ हुई है, मैंने अपने भरसक प्रयास करा है बचाने का, जो कि परिवार ने भी अप्रिशिएट किया है। और ऐसी सूरत में जब उनके ऊपर 302 धारा लगा दी जाती है, 302 धारा का मतलब यह है कि हत्या का इल्जाम अगर किसी पर लगता है तो कोई भी समझदार व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता। तो हम क्या चाहते हैं आखिर, समझने की कोशिश कीजिए। रोड रेज वाली घटना भी मैंने बताने का प्रयास इसीलिए करा आपको साथियों, ये बहुत बड़ी कॉस्ट हम चुका रहे हैं अपने एंगर को सही ढंग से, सही समय पर मैनेज न कर पाने के कारण। तो साथियों, जानिए, समझिए, और ऐसे लोग जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली गुस्सा आता है, अगर आप कुछ बच्चों को अनुभव करेंगे, आप याद करिए वो दृश्य, बहुत सारी बार हम जब टॉयज के शॉप पे खड़े होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जमीन पे लोट लोट करके जिद कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से कुछ एक पर्टिकुलर टॉय लेने के लिए, क्योंकि वो बच्चा उस समय से परसीव्ड इनजस्टिस का अनुभव करने लगा है और वहीं से उसको समझ में आ गया है कि मैं जब जब एंगर एक्सप्रेस करता हूं, गुस्सा अपना दिखाता हूं, मेरी मांग पूरी हो जाती है। ये अगर आपका व्यवहार आगे चलकर के भी आपको अगर समझ में ना आ पाया, परसीव्ड इनजस्टिस और इनएबिलिटी टू फॉरगिवनेस, ये दो चीजें अगर आपने समय रहते नहीं समझने का प्रयास करा, तो इस तरह की घटनाओं के शिकार आप भी हो सकते हैं। क्या रोड रेज और क्या इस तरह का सामाजिक माहौल जो हमारे अगेंस्ट बन गया है, ये अगर इस तरह की
घटनाओं से के शिकार हम अगर नहीं होना चाहते हैं तो अपने आप पे काबू हमको पाना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब कतई नहीं कि वो डॉक्टर ने सही करा या गलत करा, मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं कि मैं किसी के भी अंतिम समय में उनके द्वारा निर्णय लिए गए को मैं जज करने का प्रयत्न करूं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है साथियों। में बहुत अत्यंत दुखद घटना हुई है वो, और ये दोनों ही घटनाओं को मेरा बताने का मकसद आपको केवल इतना सा है कि देयर इज अ वेरी हेवी कॉस्ट ऑफ एंगर एट सोशल लेवल। बस यही मेरा प्रयत्न है साथियों, इस चीज को समझने का प्रयास करिए और जानिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जब जब आपको गुस्सा आता है प्रयत्न करिए अपने आप को समझने का, प्रयत्न करिए विचार करने का कि क्या इस स्थिति, इस परिस्थिति को कोई और तरीके से मैं डील कर सकता था, क्या मेरे उस समय कंपैशन भाव, क्या मेरे उस समय एम्पैथी का भाव जागृत हो सकता था। अगर परिस्थिति को आप ज्यादा कंपैशनेटली और एम्पैथेटिकली लेते डेफिनेटली आपके अंदर फॉरगिवनेस का भाव जागता और आप इस परिस्थिति को टाल सकते थे। ट्रेन करिए अपने आप को साथियों। बचपन का वो व्यवहार हम जीवन भर नहीं चला सकते हैं, और जब हम इस तरह का व्यवहार हम जीवन भर चलाने का प्रयत्न करते हैं, परसीव्ड इनजस्टिस का अनुभव हम हर पल जब जब करते हैं, जब जब आपको एंगर महसूस हो रहा, गुस्सा जब जब आ रहा है, तब तब कहीं ना कहीं आप उसकी इनसाइट में जाकर के, डेप्थ में जाकर के देखेंगे, आपको यह लगेगा कि एक परसीव्ड इनजस्टिस का अनुभव आपने किया, इसलिए आपने अपना आपा खो दिया। साथियों जानने का प्रयत्न करिए, समझने का प्रयत्न करिए, जब जब आपको गुस्सा आता है एक डायरी बनाइए, कोशिश करिए कि मैं अगली बार इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करने का प्रयत्न करूंगा। अपने आप को वचनबद्ध रहिए, और कोई तरीका नहीं है साथियों अपने इस एंगर को मैनेज करने का, और कोई तरीका नहीं है। एंगर, लस्ट, डिजायर्स, इन सब से जब तक हम दूर नहीं हो पाते हैं हम अपने नरक के द्वार को खोल रहे होते हैं। इस विषय पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पर मैं एंगर मैनेजमेंट पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज का जो मेरा विषय था वो ये कि हम सोशली जो एक हेवी कॉस्ट पे कर रहे हैं हमारे एंगर को ना मैनेज कर पाने की, टाइमली ना मैनेज कर पाने की, जब तक आप आत्मविश्लेषण नहीं करेंगे, आत्म सुधार नहीं करेंगे, तब तक ये आपका ईगो, आपका परसीव्ड इनजस्टिस और इनएबिलिटी टू फॉरगिवनेस आपको परेशान करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।